सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में कबीरदास की साखियों का अध्ययन कार्य किया था। आज मैं उन्हीं की कुछ अगली साखियों को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में कबीर की साखियों के विषय में यह जाना था कि किस प्रकार से कबीरदास जी ने सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक विसंगतियों का खंडन किया था और उन्होंने यह बताया था कि यदि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, यदि हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो माया मोह से दूर रहकर उस ईश्वर को प्राप्त करना होगा। वही ईश्वर तभी हमको मिल सकता है और तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमारी अधोगति हो सकती है, सदगति हो सकती है। तो चलिए उनकी कुछ अगली साखियों को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की जातियां बनी हुई हैं। कोई अपने ईश्वर को राम के रूप में पूजता है तो कोई खुदा के रूप में पूजता है, परंतु मैं कहता हूं, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूं कि जो इन दोनों के समीप नहीं जाता है वही वास्तव में, अर्थात किसके समीप जाता है? उस निराकार ब्रह्म के समीप जाता है। उसी का इस संसार में या इस पृथ्वी से उसको मुक्ति मिल सकती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी ने इस्लाम और हिंदू धर्म का खंडन करते हुए एक पद कहा था, वो इस प्रकार से है कि अरे इन दो ने राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, ओ गागर छुए न देई, ओ वैश्या के पायन तरसोए, यह देखो हिंदू आई। और वहीं पर इन्होंने इस्लाम धर्म का भी खंडन करते हुए कहा है क्या कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला कैरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई, अरे इन दो ने राह न पाई। इस प्रकार से कबीरदास जी ने दोनों धर्मों का खंडन किया है और वे कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम राम कह करके क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह कहते कहते कहाँ चला जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कहें कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित रहता, वही अमर हो पाता है इस पृथ्वी पर जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के समीप नहीं जाता है, अर्थात ना राम के पास जाता ना रहीम के पास जाता है, वह एक निराकार ब्रह्म को पूछता है, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का आशय यह है, वे कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना की सेक देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो खुदा
जो राम के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता अर्थात उस निराकार ब्रह्म को पूजता है, वही सच्चे रूप में जीवित रहता है, उसी को इस संसार में सदगति प्राप्ति होती है और उसी का मृत्यु पर्यंत भी नाम अमर रहता है। कबीरदास जी अपने अगले साखी में क्या कहते हैं, वे कहते हैं काबा फिर काशी भया राम ही भया रही मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा और काशी एक है और एक ही है राम और रहीम, तो फिर हमें वही मोट चून जी मैदा भया, जैसे गेहूं की पिसाई होती है तो पहले अगर मोटा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, आटा कहते हैं, चून कहते हैं, और वही थोड़ा सा और महीन मतलब और पतला कर देते तो कैसा बन जाता है, मैदा। यानी बात एक ही है, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो चाहे ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो चाहे काबा कहो चाहे काशी कहो, बात एक ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल कबीर ही एक ऐसा प्राणी है जो इन सबका रसास्वादन करता है, वो सबको एक मानता है। तो कहने का आशय यह है, कभी कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था वह अब बारीक मैदा हो गया है, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ, अर्थात मन में सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना अब समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई कलुषता नहीं है, मेरे लिए काबा काशी राम रहीम ईश्वर अल्लाह परमात्मा पैगंबर सब एक है, मेरे अंदर सांप्रदायिकता की भावना नहीं है। यदि ये सब रहेंगे तो इसे भेदभाव दुर्भावना की अभिव्यक्ति होगी, मन में कलुषता उत्पन्न होगी, मन में बुराइयां उत्पन्न होगी, इसलिए इन सबको छोड़ करके एक परमात्मा को भजो। आगे कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल को जन्मिया जे करनी ऊंचन होई अश्वरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले, ऊंचे वंश में एक अच्छे वंश में जन्म ले ले, लेकिन अगर उसकी करनी ऊंची न तो किसके समान होता है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण अर्थात सोना स्वर्ण, स्वर्ण से कलश, कोई कलश हो और वो कैसा हो, सोने का हो और उसमें सुरा भरा, उसमें मदिरा भरी हुई हो, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, बल्कि उसकी साधु जो संत होते हैं महात्मा होते हैं हमेशा उसकी निंदा करते हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से अपने कार्य से ऊंचा नहीं बन सकता वह ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो सकता। बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे समाज में, और ऐसे व्यक्ति जो कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अगर उनकी करनी ऊंची नहीं अच्छी नहीं है तो वे हमेशा से लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए जाते रहे हैं। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि मनुष्य को कर्मों के महत्व का को बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, कभी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, वे हमेशा शराब को शराब ही कहेंगे, ये नहीं कि सोने के पात्र में पहुंच गया तो उसको अमृत कहेंगे, ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं, ऐसा संत व्यक्ति कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करके सदगति को प्राप्त करनी चाहिए। तो आज बस इतना ही, हम आपसे अब प्रश्न पत्र के प्रश्न से मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, नोट कीजिए आप लोग, वर्तमान समय में
संसार में कौन अच्छा जीवन जी सकता है, वर्तमान समय में संसार में कौन अच्छा जीवन जी सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है, आज हिंदू और मुसलमान दोनों में भ्रम की क्या स्थिति है। आज हिंदू और मुसलमान दोनों में भ्रम की क्या स्थिति है। प्रश्न आपका तीसरा है, काबा और काशी में क्या समानता है। काबा और काशी में क्या समानता है। आपका चौथा प्रश्न है, कबीरदास जी ने काबा और काशी के महत्व को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है। कबीरदास जी ने काबा और काशी के महत्व को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है। आपका पांचवा प्रश्न है, ऊंचे कहलाने का अधिकार किसको है। ऊंचे कहलाने का अधिकार किसको है। आपका पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अंतिम साखी में किस बात पर बल दिया गया है। अंतिम साखी में किस बात पर बल दिया गया है। आज बस इतना ही, हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।